यार राम राम, क्या चल रहा है आजकल। वेलकम बैक टू आवर चैनल और एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ फिर आपके साथ। और इस वीडियो में मेरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम मास्टर्स 2 पे थे लेकिन अब हम डिमोट हो गए हैं मास्टर्स 3 पे। ये बहुत सारे ट्रॉफीज़ हमने लूज़ किए हैं, जैसे कि मैं था नहीं, खेल नहीं पा रहा था दिवाली सेलिब्रेशंस और घर के काम, समझ ही सकते हैं आप। तो ये है हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन। मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमारा एक ही अभी गोल है इलेक्ट्रो ड्रैगन अपग्रेड करना। तो हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन अपग्रेड पे डाल दिया है और हमने क्वीन डाल दी है 15 के लिए। और हमारा अब जो मेन मोटिव होगा वो होगा हमारे ये जो नॉर्मल डिफेंसेस है ना, विजार्टास और जो आर्चर्स हैं, वो हमारा मेन जिस पे हमें फोकस करना है। और फिर बाद में ये हमारे एक्सपोज तो अपग्रेड होते ही रहेंगे। तो अभी मेरे को कुछ बड़ा अपग्रेड करना है, तो इस वजह से मैं अपना गोल्ड यूज़ नहीं करूँगा। और जेम बॉक्स हम रिमूव कर देते हैं। और चलो बिना कुछ बातें किए हम चलते हैं एक अटैक पर। मैं आपके साथ एक अटैक करूंगा और एक अटैक का आपको रीप्ले दिखाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास स्पेल्स नहीं है, मैंने स्पेल्स ट्रेन नहीं किए। तो मैं पहले स्पेल्स ट्रेन करूंगा, तब तक आपके लिए एक रीप्ले लगा देता हूँ। जो मैंने कल ही अटैक किया था, वीडियो में शूट कर रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं उसी अटैक का आपको रिप्ले दिखा देता हूँ। तो ये रहा हुआ हमारा अटैक। ये था वो बेस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेस बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन मेरे इलेक्ट्रो ड्रैगन डाइवर्ट हो गए थे। मैंने सीज यहाँ पे डाली, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन टाउन हॉल तक पहुँच ही गया था और टाउन हॉल की हेल्थ भी बहुत कम बची थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दो इलेक्ट्रो ड्रैगन के हिट से भी टाउन हॉल नहीं ले पाए हम। और ये मैंने 4x कर दिया है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रो ड्रैगन मर गया और हमारा अटैक 64% 1 स्टार। और तब तक चलो एक और चीज़ करते हैं हम फटाफट। हमें जो बिल्डर बेस की सीरी है उसका पार्ट 2 कर लेते हैं। लेकिन हम बिल्डर बेस पे भी कुछ दिखाएंगे आपको, जैसे कि इस बैटल मशीन को हम 10 का कर लेते हैं। तो अभी 9 का हुआ है, 10 का हम बाद में करेंगे। तो हम चलते हैं एक अटैक पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सुपर पैका सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली, जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन अभी तो मेरे पास हीरो नहीं है, तो देखते हैं कितने परसेंट निकाल पाएंगे हमारे सुपर पैका और बारबेरियंस। सबसे पहले मैं अपने सुपर पैका डिप्लॉय करूँगा। और जब क्लीन अप कर देंगे सुपर पैका, तब मैं सिर्फ और सिर्फ बारबेरियंस रेस्ट बारबेरियंस। तो ये गाइस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बारबेरियंस जैसा जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, ये सिर्फ और सिर्फ एक
नॉर्मल सा अटैक है बिल्ड बेस का। तो ये हमारे रेस्ड वारवेंग पहुंच गए अंदर। वहां से एक रेस्ड वारवेंग काफी है क्लीन अप करने के लिए। यहाँ पे हमारे जो बारबेरियंस हैं ये 50% फिंगर क्रॉस गाइस, देखते हैं कि क्या होता है। हम थोड़ी देर तो वेट कर ही सकते हैं। चलो लेट्स सी, हम जीत देखते हैं कि नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते। सो हम हार गए एक स्टार की वजह से। परसेंटेज तो सेम थी, स्टार्स की वजह से हम हार गए। चलो कोई बात नहीं, हमें तो मेन फोकस नॉर्मल सिंपल वेज पे करना है, होम विलेज पे। तो गाइज मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं गोल्ड से क्या अपग्रेड करूँ इस विलेज में। तब तक हम होम विलेज में गोल्ड से कुछ इम्पोर्टेंट अपग्रेड करते हैं। हम अपग्रेड करेंगे गोल्ड से, 5 है, अगर मेरा एडअप हो जाए 5 तो मेरा 11 हो जाएगा। तो 11 से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और करूँ। तब तक के लिए हम ये कंप्लीट करेंगे चैलेंजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कुछ चैलेंजेस किए हैं और बहुत बच्चे हैं अभी भी, तो हम ये वाला कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ट्रूप्स ट्रेन हो जाए हमारे जल्दी से। 38 जेम्स। चलो ठीक है गाइस, मैं आपको एक और अटैक दिखा देता हूँ बिल्ड अवेज का। आज होम विलेज में हम अटैक नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम होम विलेज में फिर कभी अटैक कर लेंगे। सो लेट्स गो, बस 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। लेट्स गो, ये काफी इजी बेस है। वहां पे हमने एक रेस्ड बारबेरियन छोड़ दिया। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले रेस्ड बारबेरियन से क्लीन अप करवाऊंगा और फिर बाद में पैका छोड़ूंगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पैका बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो बस अब हमारा पैका गया अंदर और 2 पैका बाहर क्लीन अप के लिए। ये भी सही है। वन स्टार, 2 स्टार भाई, फोर्टी 1 स्टार। मेरे को लगता है ये भी हम हार जाएंगे। अगर हार जाएंगे तो हम एक और अटैक करेंगे, अगर जीत जाएंगे तो बस आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर देंगे। तो गाइस ये अटैक हम हार गए, हार गए, हाँ हार गए। चलो कोई बात नहीं, एक और अटैक करेंगे अभी हम। हाँ यहाँ पे दिक्कत है हमारे बेस में, यहीं से ट्रूप सेंटर करते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ से ही ट्रूप सेंटर करते हैं, तभी
पहले तो नहीं हुआ करता था ऐसे। चलो ठीक है, अब नहीं होगा ऐसा कुछ, और होप फॉर द बेस्ट, इस बार हम पक्का जीतेंगे। गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको बिल्ड अ बेस देखना पसंद है या फिर सुबह से होम विलेज ही आपको ठीक लगता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक बार बीरन भेजेंगे चेकिंग के लिए, हिडन टेस्ला, और फिर बाद में इसके पीछे से सारे के सारे रेस्ट बारबेरियंस। गाइस कमेंट जरूर करना कि कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है दोनों देखने या फिर शुरू से आपको होम विलेज की वीडियो पसंद है। कि कभी कभार ऐसा होता है कि होम विलेज में मैं ट्रूप्स नहीं ट्रेन कर पाता, तो ये हमारा 50% निकल गया, 50% 2 स्टार। तो बस ये हम एंड कर देते हैं बैटल। एक चीज़ और अपग्रेड पे लगा देते हैं हम, ये क्रशर नहीं बिल्ड है तो अभी बिजी है। देखते हैं कि हम ये वाला जीतेंगे कि हारेंगे। ये वाला हम जीत गए। सो गाइस बाय, अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा आर्चर्स के साथ। मैं बताता हूँ आपको कितनी आर्चर्स होंगी हमारे पास। हमारे पास आर्मी कैंप 8, ज़्यादा आर्चर्स नहीं होंगी बारबी रेंज जितनी, लेकिन मैं आपके साथ मैं आपको मिलूँगा सिर्फ और सिर्फ आर्चर्स के साथ, और एक अटैक करेंगे हम होम विलेज से। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और बताओ कि अब हम सेकेंड विलेज में क्या करें, और हमें अपनी लीग भी पुश करनी है, इसमें हमें एटलीस्ट चैम्पियन तक तो जाना ही है। तो हम होंगे 48 आर्चर्स के साथ विद हीरो। तब तक के लिए बाय।